आज मैं आपको एक बात बिल्कुल सच और दिल से बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है, तो एक लाइन और एक शब्द में ये कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कोई भी काम मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इस धरती पर कोई भी काम बिल्कुल आसान भी नहीं है। इस मार्केट के अंदर रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। कुछ लोगों की किस्मत तो बदल जाती है, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत पूरे तरीके से बर्बाद भी हो जाती है। बर्बाद कैसे होती है? या तो वह नुकसान कर लेते हैं, नुकसान के साथ साथ वह कर्जे में आ जाते हैं और कर्जे से भी ऊपर निकल जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपने इस मार्केट के अंदर किसी की सक्सेस स्टोरी भी देखी होगी और साथ में किसी की ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी कि किसी ने इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, कर्जा कर लिया और कर्जे के बाद उसने सुसाइड कर लिया। कुछ बातें मैंने यहाँ पर कॉमन देखी हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इन बातों को दोहराएगा तो वाकई में वह कर्जे में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और उससे भी ऊपर निकल जाएगा। उसे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मानकर चलिए कि एक व्यक्ति है, यह है सुरेश नाम का, ठीक है। इसे कोई बताता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे करने के बाद रातों रात अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। अब यह उसकी बातों में आकर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। इसकी कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब वह गलती क्या होती है? यह सुरेश जो है, ठीक है, यह मार्केट के अंदर लेकर आता है एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। अब उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि वह इस मार्केट के अंदर ना तो कुछ जानता है ना कुछ समझता है। उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, उसे कैंडल्स की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं मालूम, और वह बिना सोचे समझे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जिस चीज़ के बारे में आपको पूरी नॉलेज ना हो, क्या वहाँ से आपको कुछ रिटर्न आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। सुरेश ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और इसे हो जाता है शुरुआत में लॉस, ठीक है। कितने का लॉस होता है? इसे 50,000 रुपये का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहीं से ही सुरेश की कहानी शुरू होती है। नुकसान कर लिया, नुकसान के पीछे की वजह क्या थी कि इसने कुछ नहीं जाना कुछ नहीं समझा, बिना सोचे समझे पैसे का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर 50,000 रुपये का सुरेश ने नुकसान किया, लॉस किया, ठीक है। अब ये लॉस रिकवर करना चाहता है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। और इसी सवाल को आपने समझना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर ढालना है कि सुरेश का हुआ नुकसान और इस नुकसान को वह रिकवर करना चाहता है, रिकवर करने के लिए वह वापस से मार्केट में आता है। देखो, पहले सुरेश का फंड कितना था? 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये में से कितना गया? 50,000 चला गया, ठीक है। अब इसके पास 50,000 रुपये है, तो 50,000 से इसको 50,000 रुपये का प्रॉफिट करना है, ठीक है, ये इसके दिमाग में चलता है, ठीक है। तो अब ये अपना लॉस रिकवर करना चाहता है। जो भी व्यक्ति इस मार्केट के अंदर लगातार कर्जे कर रहे हैं अपने ऊपर, नुकसान कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है कि वह मार्केट के अंदर जो उनका नुकसान हुआ था पहला, ठीक है, उस नुकसान को रिकवर करना चाहते हैं। अब यही साइकिल वह दोहराता है। कैसे दोहराता है? सबसे पहले वह इस मार्केट के अंदर सीखना चाहता है, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ ललक आती है कि मुझे सीखना चाहिए। क्या करता है? सीधा यूट्यूब पर जाता है, ठीक है। यूट्यूब पर वह कुछ वीडियोस को ओपन करता है, लिख देता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हजारों लाखों यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियोस को लगातार अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब सुरेश की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वह उन यूट्यूबर्स की बातों में आ जाता है, ठीक है। अब बातों में क्यों आता है? देखो, यहाँ पर ये जो सुरेश है, जो यूट्यूब पर गया है, यूट्यूब पर हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप यहाँ पर कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, आप यहाँ पर प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ पर यूट्यूब से ये सीख लिया कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, और उसने बना भी डाला, है ना। लेकिन यहाँ पर आप मानकर चलिए कि मुझे कार सीखनी है, ठीक है, मैं ये कार सीखना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूट्यूब से देखकर इस कार को सीख सकता हूँ? मुझे सिर्फ यूट्यूब ये बता सकता है कि इस कार के गियर किस तरीके से डलेंगे, क्लच कौन सा है, रेस कौन सा है, ठीक है, स्टीयरिंग कैसे हमें घुमाना है, ये सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ से पता चल जाएंगी। लेकिन जब मैं रोड पर उस कार को लेकर जाऊँगा तो मुझे वो यूट्यूब की बातें याद ही नहीं आएंगी, ठीक है। अब सुरेश भी क्या करता है? सुरेश सीधा यूट्यूब पर जाता है, ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखता है। अब यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात क्या है? यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यूट्यूबर अपनी वीडियो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? वो बना रहा है सीधा सीधा सर व्यूज़ के लिए, ठीक है। वो उसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं होता, वो बना रहा है सीधा व्यूज़ के लिए कि उसकी वीडियोस पर व्यूज़ आए। अब सुरेश तो ये बात नहीं जानता, उसका बेचारे का तो लॉस हुआ है। वो जानना चाहता है ऑप्शन ट्रेडिंग की सच्चाई, लेकिन जो यूट्यूबर्स वीडियो बना रहा है वो बना रहा है व्यूज़ के लिए, ठीक है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है।
तो वो क्या करता है, वो ढूंढता है कोई ऐसी 100% स्टडी जो उसको इस YouTube पर मिल जाए। अब मुझे बताओ, मिलेगी उसको YouTube पर कोई ऐसी स्टडी? अगर कोई ऐसी 100% स्टडी होती, ठीक है, जो वाकई में काम कर रही होती, तो उसे व्यूज के लिए काम करना पड़ता? मेरे हिसाब से तो करना नहीं पड़ता, है ना। अब एक चीज और है, जो ये सुरेश 100% स्टडी ढूंढ रहा है वो भी YouTube पर, अब मैं एक चीज बताता हूँ कि 100% जैसी चीज कुछ नहीं होती, ठीक है, कुछ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपके शहर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका निशाना बहुत सटीक होगा, आप उसको पकड़ कर लाना अपने घर की दीवार पर, ठीक है, एक यहाँ पर राउंड बनाना और उसके हाथ में 100 पत्थर देना और उससे कहना कि भैया ये जो 100 पत्थर है ना, तो इन 100 पत्थर को इस निशाने पर लगा कर दिखा। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका निशाना कितना ही सटीक क्यों ना हो, ठीक है, वो 100 के 100 पत्थर एक निशाने पर नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विषय क्या आता है कि कोई भी चीज़ फिर 100% नहीं होती, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, सुरेश ने ये चीज़ की, अब उसके साथ साथ उसे क्या मिल जाता है, यहाँ पर जैसे ही वो एक्टिविटी करना शुरू करता है, कुछ ढूंढना शुरू करता है, तो उसे कुछ फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप हमारा प्लान ले लो, हम आपको बताएंगे, आपका लॉस रिकवर कराएंगे, हम आपको बता देंगे पहले ही आधे घंटे पहले कि कौन सी 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये जाने वाली है। अब वह क्या करता है, टिप्स के चक्कर में आ जाता है, ठीक है, 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये के लिए जो जाने वाली है। अब सुरेश की सबसे बड़ी गलती पता क्या है कि इसे अगर ये भी बता देना, रिक्शा वाला भी बता दे कि 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये जाने वाली है, जाकर खरीद ले, तो ये सबसे पहले खरीद लेगा, ये अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि मैं क्यों खरीदूं, है ना। तीसरी चीज, वह लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना 0 to Hero, ठीक है, ये स्ट्रेटजी को ढूंढेगा, 0 to Hero जैसे ट्रेड को फाइंड करेगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा लोग इस 0 to Hero के चक्कर में ही बर्बाद हुए हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं, सुरेश एक गलती और करता है, वह क्या, वह 3 बजे तक मार्केट में बैठा रहता है, उसे ये यकीन है कि ये 3 बजे तक मार्केट उसको पैसा दे देगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जिस ट्रेडर ने यहाँ पर 11 बजे तक पैसा बना लिया, उसे तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर मानता हूँ, और जो 11 बजे के बाद इस मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, वह मार्केट के अंदर एक फेलियर ट्रेडर है मेरी नज़रों में, है ना। तो यहाँ पर ये विषय आता है, तो सुरेश कहीं ना कहीं ये कॉमन गलतियाँ कर रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या सुरेश को यहाँ पर सफलता मिलेगी? ये क्या करेगा, ये नुकसान करेगा, नुकसान के साथ साथ ये कर्जे में आ जाएगा, और कर्जे के बाद ये सुसाइड के लिए बढ़ जाएगा। अब कर्जा भी कैसे कर लेगा जब इसके पास ये सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा सुरेश का, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीधा सीधा सर या तो अपने फ्रेंड के पास जाएगा, ठीक है, या अपने सीधा कहाँ जाएगा, रिलेटिव्स के घर जाएगा, ठीक है। और अगर इसे कुछ और ना मिला तो ये सीधा सीधा चला जाएगा बैंक, ठीक है। अब ये 2-3 जगह ही हैं जहाँ से पैसा उठा सकता है। अब पैसा आज की धरती पर ऐसी चीज़ है, कोई नहीं छोड़ता, ठीक है, सब इसका खून चूस लेंगे अगर इसने यहाँ से लॉस भी कर लिया तो। अब ये इनका पैसा डुबो देगा, ठीक है, जैसे इनका पैसा डूबा, बस सुरेश के मरने के दिन नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि इसके पास इनकम सोर्स नहीं है। इनकम सोर्स बनाने के लिए ही तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर आया था। अब इसे पता चलता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर इसके पास एक ही चीज़ रह जाती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सुसाइड, और ये पंखे से लटक कर अपनी ज़िंदगी को गंवा देता है। अब ये होती है सबसे बड़ी कहानी। अगर आप इस कहानी से समझ गए, सुरेश की कहानी से, तो आप सुरेश मत बनना, ठीक है, आप बनना रमेश। अब रमेश क्या करता है, अब उसको भी समझो। रमेश मार्केट के अंदर आता है 1 लाख रुपया लेकर, ठीक है, और रमेश की क्वालिटी क्या है, रमेश पहले समझता है कि पहले मार्केट को समझ लो कि मार्केट क्या है, काम कैसे करती है। पहले वो उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में इस मार्केट से किसी ने पैसा बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है, उन लोगों को समझता है, सुनता है, ठीक है। फिर रमेश क्या करता है, मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू में ही नहीं करता है, वह 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, 90,000 रुपए क्या करता है, बचा कर चलता है, पहले 10,000 रुपए को आजमाएगा, ठीक है। 10,000 रुपए से रमेश का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, रमेश को लगता है कि हाँ भाई मार्केट से पैसा तो बनता है। अब वह क्या करेगा, 10,000 के साथ साथ वह 5,000 रुपये और बढ़ा देगा। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया, 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर लिया, और जो बाकी का उसका 85,000 रुपया है उसको सेफ रख रहा है रमेश अभी भी, ठीक है। और जो जो गलतियां कर रहा है वो, जब उसको नुकसान हो जाता है कभी कभी, तो उन गलतियों को वह एक डायरी में नोट डाउन कर लेता है कि हाँ मुझसे आज ये गलती हुई है, कल को मैं ये गलती नहीं करूँगा,
है ना, आपने अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शायरी सुनी होगी और वह यह है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। रमेश भी वही कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, रमेश को पता चलता है कि अब मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, मुझे यहाँ पर फंड बढ़ाना चाहिए क्योंकि मुझे प्रॉफिट थोड़ा बड़ा चाहिए। तो रमेश यहाँ पर 20,000 रुपये कर देता है, बाकी का 80,000 रुपये अभी भी सेफ रख कर चल रहा है। अब ये 80,000 रुपये रमेश सोचता है कि यार ये 80,000 रुपये मेरे पास अभी सेफ है, तो इन 80,000 रुपये को मैं स्टॉक मार्केट के अंदर दूसरी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ जहाँ पर रिस्क बहुत कम है, ठीक है। अब वह क्या करता है, रमेश को पता चलता है कि यहाँ पर एक चीज़ क्या है, इक्विटी है, ठीक है, ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, ये IPO में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ये इस तरीके से अपने 80,000 रुपये को डिवाइड कर देता है। अब जैसे ही 80,000 रुपये डिवाइड होता है, रमेश सेफ हो जाता है, तो ये 80,000 रुपये उसको रिटर्न निकाल कर देता है। अब रमेश के पास क्या चीज़ रह जाती है, वो 20,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, 80,000 रुपया यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया इन तीन जगह। अगर इसका 20,000 रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर डूब भी गया तो कहीं ना कहीं वह 80,000 रुपया लगाकर, मैं कह रहा हूँ सर, 2 महीने में वह अपने 20,000 रुपये को क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, ठीक है, और वो कर भी रहा है। तो आप रमेश की तरह काम करो, आप सुरेश की तरह काम ही मत करो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे की वीडियो देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, एक्सपर्ट को सुनते हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि मार्केट में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और कभी कभी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 100% काम कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 100% काम कर गए वह सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन वह ट्रेडर तो मार्केट के अंदर हाथ पर हाथ बांधे बैठा रह गया, उसको मालूम ही नहीं था। अब यहाँ पर क्यों ऐसा होता है वो भी मैं बताता हूँ। कभी कभी मेरी कम्युनिटी भी ये सवाल कर लेती है, अब मैं उसके पीछे का सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि ज़िंदगी आपको सिर्फ एक ही मौका देती है। जैसे आपके शरीर से अगर सांस निकल गई बाहर तो आप मर गए, है ना, तो जब मर गए तो उसका मतलब है बिल्कुल डेथ, आप वापस से ज़िंदा नहीं हो सकते, वापस से कोई भी तरीका आपके अंदर सांस नहीं लेकर आ सकता है। इसी तरीके से आपके पास भी यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही मौका है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट है, खरीद लो, ठीक है, आपके अंदर मार्केट, आपको पता है मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ सर आप यहाँ पर लाकर बेच दो, ठीक है, यहाँ पर पुट बाय कर लो। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया तो उठा लिया, लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ बांध कर बैठे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सोमवार के दिन मार्केट के अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमें तरीके से मार्केट को समझना होगा। सबसे पहले FIDI एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। डेटा बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, मार्केट जल्दी से नीचे नहीं जाने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ, FI ने कैश मार्केट के अंदर 14,064 रुपये की खरीदारी, करोड़ की खरीदारी की है, ठीक है, जो सबसे बड़ी खरीदारी है FI की, ठीक है। अभी तक FI ने कैश मार्केट में 14,064 करोड़ रुपये की खरीदारी नहीं की है, है ना। अब यहाँ पर क्या है, DI का कैश मार्केट देखोगे तो DI ने 4,427 करोड़ रुपये यहाँ पर एग्जिट किए हैं, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पर FI का इंडेक्स ऑप्शन डेटा देखोगे तो यहाँ पर इस डेटा में 32,753 करोड़ रुपये की पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रही है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो डेटा पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अब आपको दो तीन चीज़ें और ध्यान में रखकर चलनी है। डेटा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली कैंडल से ही कॉल को बाय कर लें, हमें यहाँ पर चार्ट पर चलना होगा और समझना होगा। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट पैटर्न सीखे होंगे, ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इस पैटर्न का आपने नाम बताना है, ठीक है, और इस पैटर्न के बाद क्या चीज़ हो सकती है ये भी एक लाइन में आप लिख देना, क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, इस चार्ट की साइकोलॉजी की, ये चार्ट कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस देखना होगा, क्लोजिंग प्राइस कौन सा आता है, 25,820, क्लियर। अब 25,820 पर हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल गई, दो चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से, या तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग कर देगा या मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देगा। अब यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, मानकर चलो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है निफ्टी के अंदर, तो नियर बाय यहाँ पर क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है 26,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा, ठीक है। और देखो 25,820 और 26,000 में केवल और केवल 180 पॉइंट का ही फ़र्क है, और मैग्नेट की तरह काम करेगा 26,000, निफ्टी
या तो आपको मंडे के दिन 26,000 जाता हुआ दिखाई देगा या ट्यूजडे के दिन, लेकिन 26,000 वह टच जरूर करेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 26,000, ठीक है, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस रखिए 25। ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली मार्केट के अंदर सेल साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा आता है इसके नीचे, वह आता है सीधा सीधा हमारे पास 25,977। ये हमारे लिए एक और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, करेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, वह है यहाँ पर 25,920, ठीक है, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक और मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना चाहूँगा, वह आता है 25,877, ठीक है, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। हमने यहाँ पर 4 लेवल्स तो निकाल लिए, ठीक है, करेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, और निफ्टी हर 50 पॉइंट्स पर आकर क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, हमें यहाँ पर करेक्शन देखना है कैसे। ये रेजिस्टेंस तो है, अब गैप अप ओपनिंग होती है, मानकर चलो 877 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई, आप यहाँ से सेल के लिए तो जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये सपोर्ट भी बन सकता है, 877 हमारे लिए सपोर्ट भी बन जाएगा। क्लियर? अगर मार्केट के अंदर 977 के ऊपर के आसपास ओपनिंग हो गई, ये सेल साइड के लिए तो जाया जा सकता है, लेकिन 25,920 क्या सपोर्ट बन जाएगा। आप लोग जानते ही हो ना कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो इसको रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस बनाएगा, है ना। तो हमारे पास लेवल्स तो हैं, लेकिन वो क्या होंगे, वो मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो मार्केट के बिहेव के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, ठीक है, कि वो वैसे ये रेजिस्टेंस है तो इनको वह सपोर्ट भी बना सकता है अगर इनके ऊपर ओपनिंग करेगा तो। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, ठीक है, क्लोजिंग का है 25,820, तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हैं 25,725, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट मंडे के दिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद कौन सा सपोर्ट आता है, इसके बाद आता है हमारे पास 25,677, 25,620, ये हमारे लिए तीन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 25,620 का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर मार्केट के अंदर इससे बड़ा, ठीक है, और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, 25,500, ये हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जल्दी से मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। आई होप आपको निफ्टी समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर भी वही पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, बैंक निफ्टी ने 54,000 को टच किया है, ब्रेकआउट भी कर दिया। अब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग हुई है 53,937। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पर करता है, गैप अप ओपनिंग करेगा या गैप डाउन ओपनिंग करेगा। दो बातें सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ, पहली चीज़ FIDI का डेटा जो है, ठीक है, वह काम करेगा आपका 10 बजे तक। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ मंडे के लिए, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हो गई तो समझ लो FIDI का डेटा काम कर गया, क्यों, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट अगर कुछ पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है तो उनको तो प्रॉफिट होगा। अब जब प्रॉफिट होगा तो वह अपनी अमाउंट को एग्जिट करेंगे या ओवर डालेंगे, जाहिर सी बात है वह एग्जिट करेंगे, ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसे ही तो करते होंगे वो। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है तो वह कहीं ना कहीं अपनी उस प्रॉफिट की बुकिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखकर चलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है, जैसे 53,937, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है, और ये जो आपको स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो स्विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, ठीक है, और इस एरिया में आके बैंक निफ्टी ने क्या किया था, कंसोलिडेशंस किया था, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है और लास्ट रेजिस्टेंस ये है, फिर ये सपोर्ट बना था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये लाइंस कहीं ना कहीं आपने मंडे के दिन मार्क करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन इन लाइंस के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ये डेफिनेटली काम करेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ लेवल्स होने चाहिए। कौन कौन से लेवल्स होने चाहिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है। मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, कौन सा नंबर है, 53,000
500, ये क्या है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जल्दी से मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 53,500 के नीचे, ठीक है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी तो इसी कैंडल का हाई है, कौन सा है, 54,066, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पर आता है 54,150, ठीक है, और इसके बाद आता है 54,250, ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब हमारे पास सपोर्ट जैसा मैंने बताया आपको 53,500, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, वह कहाँ लेवल्स निकल कर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, कौन सा है, 53,000, ठीक है, 720, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट जल्दी से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट के अंदर अगला लेवल ओपन होगा हमारे लिए 53,620, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा। अब मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, आपको हर 100 पॉइंट्स पर आकर, ठीक है, रिएक्शन देखना है कि मार्केट रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर साइडवेज मार्केट है तो कोई ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगर मानकर चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मार्केट आता है 53,500 पर, आपने यहाँ पर कॉल को बाय किया, आपका टारगेट क्या होगा, 53,620, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। यानी कि हर 100 पॉइंट्स के आसपास आपने बैंक निफ्टी का क्या देखना है, रिएक्शन देखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मंडे के दिन किस तरीके से काम करना चाहिए। एक लास्ट चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कंडीशन में मंडे के दिन मार्केट नीचे गिरता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ मार्केट रिकवर भी होगा, क्योंकि FII का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जल्दी से FII मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। आप यहाँ पर बाइंग साइड रह सकते हैं मंडे के दिन, ठीक है, और बाकी मंडे के दिन मार्केट की ओपनिंग हमें देखनी है कि मार्केट ओपनिंग किस साइड कर रहा है, गैप डाउन, फ्लैट या गैप अप, ठीक है। अलग अलग नज़रिए से हमें मार्केट को समझना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन हमें पॉजिटिविटी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।